टंगमर्ग में कोर आज अपनी पार्टी सत वस्त वर्करों महकमे बिजली खिलाफ एहतजाज य दौरान एहतजाजस में शामिल मुजाहरीनों इल्ज़ाम लोय जि मुतलक महकम तरफ आई बिजली हंदिस फीसस में पानी हुरेर करित लूकन हंदि बापत मुश्किलात खड़ा करना यम कि रोजन वालन लूकन कया जहनी परेशानी तुलने से पेवान डी डी सी टंगमर्ग तो डी डी सी कुंजर किस कयातस में शामिल मुजाहरीनों तरफ आव अथ मौक पे बिजली दफ्तर में गहदेदार नक यादाश पेश कर अवमी मुश्किल दूर कर बापत फूरी कदम तुलन अपील कर आए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो आवाम दुश्मन है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो गरीब लोगों के खिलाफ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हमें नामंजूर है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाइक की है पावर बिल्स को, पावर बिल्स को 150 से पहुंचा के 1040 ये पकड़ रहे एक आम इंसान को, जबकि 1040 उसको मजदूरी करके भी नहीं मिलते आज आज के डेट में। हमने उसी सिलसिले में उसी जिम्मन में प्रोटेस्ट किया है। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पीडीडी डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर। जब ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट आता है इसमें कंज्यूमर को इनको चाहिए था बुलाना कि हम हाइक कर रहे हैं, आपको हमारी जो डिमांड से आपको मंजूर है कि नहीं है। इन्होंने हुक्मरानी चलाई, इन्होंने तानाशाही चलाई और तानाशाही के बुनियाद पे इन्होंने खुद ही हाइक किया प्राइस, जबकि एक कंज्यूमर को ये भी नहीं पता है कि मुझे बिजली फीस कितना देना है। एक जो अनशेड्यूल्ड हाइक हुआ है बिजली फीस में, यहाँ का आम कंज्यूमर 470 रुपये बिजली फीस दे रहा था आज से 6 महीने 5 महीने पहले, दूसरे महीने उसकी बिल 630 आई, तीसरे महीने 750, चौथे महीने 850, 1050, अब 1500 भी आ रही है, 1300, 1500, 1800 भी कुछ इलाकों में आ रही है। यहाँ पर जो उन्होंने रेज किया है अनशेड्यूल्ड रेज किया, जैसे इसलिए हमने लोड रिविजन किया है। हमारी बहुत सारी जो एनर्जी लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिलिंग एफिशेंसी पोर है, इसलिए हमें ये लोड रिवीजन जो है ये ज़रूरी करना था तो हमने किया। अब किसी को अगर ये शिकायत है कि उसका बिल जो है वो ज़्यादा हो गया है फ्लैट रेट में, वो मीटर लगवा सकते हैं और एज़ पर मीटर जो है अपनी पेमेंट करेंगे।